आज से शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं के। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 वर्षों से जिस तरीके से नजीर पेश की है ताकि नकल ना हो सके इन परीक्षाओं में, बच्चे मेहनत कर सकें और काबिल बन सकें, जिसके आधार पर परीक्षा दे, अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन जिस तरीके का नेक्सस पूरे प्रदेश के अंदर चलता हुआ आ रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर नकेल कसने के लिए अलग अलग अंदाज में दिशा निर्देश अलग अलग मौकों पर जारी किया, और यही वजह है कि आज जिस तरीके से परीक्षाएं बोर्ड की हो रही हैं, नकल के चांसेस ना के बराबर हैं, और उन चांसेस को भी खत्म करने के लिए कुछ इस अंदाज में अलग अलग केंद्रों पर हाई सिक्योरिटी जोन के तौर पर उन्हें इस तौर पर अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं रिकॉर्डर के साथ साथ में, ताकि कुछ ऐसी घटना सामने ना आ सके। और खुद इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग, इन तमाम चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीच में करते भी नजर आए हैं। अब आपको हम कुछ अलग अलग शहरों की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त परीक्षा चल रही है, छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तौर पर परीक्षा में शामिल बच्चे स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं परीक्षा लिख रहे हैं, मगर नकल के चांसेस वहां पर ना के बराबर है, क्योंकि सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई कि अब ऐसी चीजों पर पूरे तौर पर अंकुश न सिर्फ लगाना है बल्कि नकल को हर हाल में रोकना है। और खुद इसकी मिसाल पेश करी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने। अलग अलग केंद्रों पर जाकर के उन्होंने न सिर्फ समीक्षा की बल्कि जायजा लिया। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। इस वक्त आज सुबह से ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और सुबह से ही सक्रिय हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह का ट्रेंड ट्विस्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है माहौल पूरे? मुझे लगता है कि यूपी बोर्ड अब बदल चुका है। अब ये परीक्षा नहीं, एक उत्सव में बदल गया है। उत्सव उल्लास का है, उमंग का है, आत्मविश्वास का है, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास का है। और इसमें अगर आप देखें तो हम एक ही जगह से पूरे प्रदेश को नियंत्रित कर रहे हैं, एक ही जगह से पूरे प्रदेश को हम लोग कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि परीक्षा जो हमारी संपादित होगी, उस परीक्षा में हम एक साथ 1,90,000 सीसीटीवी कैमरा, 1,88,000 कक्ष और 94,000 से ऊपर कमरों में परीक्षा को हम देख सकते हैं। मैं समझता हूं कि 56 लाख विद्यार्थी जहां बैठ रहे हों, वो बहुत बड़ा उत्सव है। और ये परीक्षा का उत्सव होली के पहले समाप्त हो जाएगा, इसलिए विद्यार्थियों को 2 उत्सव मनाने को का अवसर मिलेगा, एक परीक्षा का उत्सव, दूसरा होली का उत्सव। परीक्षा एक उत्सव में तब्दील करने की कोशिश आप कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने गया, काफ़ी नर्वस था। इस बार मैं देख रहा था बच्चे कुछ खिलखिला रहे थे, उनको गुलाब दिए जा रहे थे, ये सब क्या किस तरह का प्रयोग है? यही परिवर्तन है कि बच्चों में एक आत्मविश्वास दौड़े कि वो केवल डिग्री धारक नौजवान नहीं बनेंगे, बल्कि वो एक डिग्री धारक बेरोजगार नौजवान की जगह रोजगार परक शिक्षा को प्राप्त करके वो आगे बढ़ सकें, यही हमारा प्रयत्न है। ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर दिनेश शर्मा से, जो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि किसी भी सूरत में नकल विहीन परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में इस बार संपन्न कराई जाएं। R9 TV से कैमरामैन आशीष के साथ आदित्य द्विवेदी, लखनऊ।